ग्यारहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं हमारे देश के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं। हम आशा और विश्वास के साथ एक नए दशक की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग की निरंतर यही प्रयास रहा है कि कोई मतदाता ना छूटे। ये दिन हमें मतदाता के अधिकारों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए रखा गया थीम है, मतदाता बने सशक्त, सुरक्षित, सतर्क और जागरूक। आप में से काफ़ी लोग ये बात जानते होंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत को गणतंत्र दिवस घोषित करने से एक दिन पहले अर्थात 25 जनवरी 1950 को हुई। तब से 70 साल का समय बीत चुका है। लोकसभा के 17 आम चुनावों के साथ साथ राज्यसभाओं के अनेक चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी और सुगम रूप से आयोजित किए जाते हैं। कोविड-19 की महामारी ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया, वह है सुरक्षित चुनाव। मतदाता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके मताधिकार के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना आयोग के लिए वास्तव में एक ध्रुव चुनौती है। विभिन्न राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करके महामारी के बीच चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए। भारतीय निर्वाचन आयोग और मतदाताओं की परस्पर आस्था और विश्वास बिहार चुनावों में पूरी अच्छी तरह से दिखाई दी। इसी चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया और प्रतिशत जो थी वो पिछले विधानसभा चुनावों और यहाँ तक कि 2019 के लोकसभा चुनावों से भी अधिक रही। इन विषम परिस्थितियों में चुनावों का सफल संचालन हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ही संभव हो सका। निकट भविष्य में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव आयोजित किए जाने हैं। इसके लिए पूरे जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। हम इन सभी राज्यों के मतदाताओं का आह्वान करते हैं कि वे बिना भय, प्रलोभन अथवा किसी के प्रभाव में ना आकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। हमें आशा है कि आप आयोग के सी विजिल ऐप का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करेंगे। ये 2018 का पायलट प्रोजेक्ट था और 2019 के लोकसभा चुनावों में इसे समस्त देश में लागू किया गया। ये नागरिकों को सशक्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रभावी साधन के रूप में विकसित हुआ है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि मतदान प्रक्रिया और परिसरों को पूरी तरह सैनिटाइज करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आयोग ने अपने स्टेक होल्डर्स की सुविधा के लिए एक नई पहल की है। कल सभी युवा नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए ई एपिक कार्ड का शुभारंभ किया जाएगा ताकि मतदाता के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल और डिजिटल बन सके। हेलो वोटर्स भारतीय निर्वाचन आयोग का वेब रेडियो है और ये अपनी तरह की अनूठी पहल है। इससे आपको आयोग के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में हेलो वोटर्स मतदाता जागरूकता और सूचना के मुख्य केंद्र के रूप में उभरेगा और आपको चुनावों के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले और साहसिक कार्य करने वाले कर्मियों की गाथा सुनाएगा। आयोग ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रारंभ की गई है। सर्विस वोटर्स की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट प्रणाली अर्थात ETPBS तैयार की गई थी, जिसके फलस्वरूप सर्विस वोटर्स ने रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर मैं भावी निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए निर्वाचन आयोग का विजन भी आपसे साझा करना चाहूँगा। हमने IIT चेन्नई और अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर उच्च तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय रिमोट वोटिंग पर अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के मॉक ट्रायल भी शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे।
आयोग प्रवासी निर्वाचकों को पोस्टल बैलेट देने की सुविधा की दिशा में भी काम कर रहा है और इसके लिए विधि मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। एक बार फिर मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि हमारा लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ हो सके। जय हिंद।